हेलो दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेल स्टेन। डेल स्टेन को एक सवियर किस्म की बैक इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो बिग बैच भी नहीं खेल सकता और काफ़ी इम्कानात है कि वो PSL को भी स्किप करे, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने डेल स्टेन को साइन किया था। PSL 2020 पाँचवा एडिशन पाकिस्तान में खेला जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग पिक थी, क्योंकि वो डेल स्टेन पर काफ़ी रिलाई कर रहे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है हर साल अपनी बॉलिंग पे ही रिलाई करते हैं, अपनी फास्ट बॉलिंग पे। फहीम अशरफ से लेकर मोहम्मद समी तक वो फास्ट बॉलिंग पर ही रिलाई करते हैं। इस्लामाबाद वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा सेट बैक, क्योंकि डेल स्टेन को एक सवियर किस्म की बैक इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसका करियर भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए भी। अभी उसने टोटल 3 मैचेस टोटल खेले मेलबर्न स्टार की तरफ से, लेकिन उस गरीब को अभी एक बैक इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसके डॉक्टर्स ने उसको 3 हफ्ते का मशवरा दिया है, जिसमें डॉक्टर ने सफा सफा बोला है कि आपने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, कोई भी जिमिंग कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये इंजरी इतनी सवेयर है जिससे आपका करियर भी इफेक्ट हो सकता है। और आफ्टर 3 वीक्स के बाद हम आपको दोबारा रीहैब करेंगे, आपकी दोबारा हम जांच करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कोई मशवरा देंगे। तो न्यूज़ और रिपोर्ट से यही आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को एक बहुत ही बड़ा स्टेट बैक हुआ और उनका मेन प्लेयर डेल स्टेन अब PSL में हमें खेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत बड़ी पिक थी और डेल स्टेन भी फाइनली पाकिस्तान आ रहा था, उसने पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी भी दी थी और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नहीं खेलेगा, तो इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत ही बड़ा झटके की और सेटबैक की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोग के लिए व्लॉग्स, क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ और कुछ ना कुछ चैनल में करता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।